हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशनिस्टा। मैं हूं पूनम और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल क्विक मेकअप लुक। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं ले रही हूं ये पिलग्रिम का स्क्वेलन ऑयल और ये बहुत अच्छा ऑयल है। इंस्टेंट ग्लो देता है फेस पे और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये कलर बार का प्राइमर और ये बहुत अच्छा प्राइमर है, पोर्स को काफी ब्लर कर देता है। उसके बाद मैंने लिया है ये एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर और इसे मैं इस तरह अपने आईलिड पर अप्लाई कर लूंगी और देन मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी इस तरह से। और ये बहुत अच्छा ऑरेंज करेक्टर है, काफी अच्छा कवरेज देता है। एले गर्ल के कंसीलर भी सारे अच्छे हैं, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैं डब डब करके इस तरह से ब्लेंड कर लूंगी ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर और ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो मैं इस तरह से अपने आईलिड पर इसे अप्लाई कर रही हूँ देन ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप कोई बहुत अफोर्डेबल कंसीलर लेना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है और स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट सभी बहुत अफोर्डेबल है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये कॉम्पैक्ट पाउडर मेबलिन फिट मी का और इससे मैंने अपने कंसीलर को सेट कर लिया है। आप इसकी जगह लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये ग्लैम 21 के आई शेडो पैलेट से ब्राउन शेड और इसे मैंने एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स आपको एक साथ मिल जाते हैं। सो आप देख सकते हैं मैं इन एंड आउट डायरेक्शन में से ब्लेंड कर रही हूँ और देन ब्लेंड कर। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये येलो कल आई शेडो और इसे मैंने अपने आईलिड पर अप्लाई कर लिया इस तरह से और ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये पिंक आई शेडो और इसे मैंने सेंटर आईलिड पर अप्लाई किया है और देन मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ लॉरियल का फाउंडेशन और मैंने इसे फेस पर अप्लाई कर लिया और ब्यूटी स्पॉन्ज से ब्लेंड कर लिया। ये काफी अच्छा फाउंडेशन है। उसके बाद मैं ले रही हूँ मेरा जो आईब्रो पैलेट है वेट एंड वाइल्ड का, उससे मैंने ब्राउन शेड पिक करके कंटूरिंग के लिए यूज किया है। चीक्स को कंटूर कर लिया, देन मैं नोज को भी कंटूर कर लूंगी इस तरह से। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये शिवाना कलर्स का ब्लश और ये काफ़ी अच्छा ब्लश है और ये बहुत नेचुरल लगता है। सो मैंने इसे इस तरह से अप्लाई कर लिया अपने फेस पर। देन मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ मुझे फेस पर हाईलाइट करना है वहाँ मैं इसे अप्लाई कर लूंगी और देन ब्यूटी स्पॉन्ज गेल से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी इस तरह से। आप देख सकते हैं इससे फेस जो है ना वो शार्प लगता है काफ़ी। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर और इसे मैं अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई कर लूंगी। नोज पर भी थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी। इसके बाद मैं ले रही हूं ये लैक्मे का आईलाइनर और इससे मैं विंग लाइनर ड्रॉ कर लूंगी। इस तरह से ये काफ़ी अच्छा लाइनर है। उसके बाद मैं ले रही हूँ मस्कारा और ये मस्कारा है स्विस ब्यूटी का। सो इसे मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। ये मस्कारा अच्छा है बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वाटरप्रूफ नहीं है। उसके